अस्सलाम वालेकुम। सीरीज चल रही है लर्न स्पेशल डेटाबेसेस विद पोस्ट जीआईएस एंड क्यूजीएस के ऊपर। अब तक हमने काफी सारे लेक्चर्स देखे हैं जिसमें हमने बेसिक कवर की थी एसक्यूएल से रिलेटेड, जो कि हमारी स्पेशल कुछ फंक्शन थे जिसमें हमने शेयर फाइल को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना सीखा था। उसके बाद हमने डीबी को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, बैकअप लेना सीखा और कुछ बेसिक फंक्शन जो थे सिलेक्ट स्टेरिक और वेयर क्लास, ग्रुप बाय क्लास और इस तरह के डिफरेंट हमने जो कवर किए। तो आज हम और अपनी देखेंगे स्पेशल डेटाबेसेस को, पोस्टग्रेस की जो कोर फंक्शनैलिटी है उसको हम कैसे कवर करते हैं पोस्टग्रेस के अंदर। मैं सबसे पहले यहाँ पे क्यूजीएस खोलूँगा। क्यूजीएस के अंदर हम देखेंगे कि जब हम शेयर फाइल बनाते हैं तो वहाँ पे हम किस तरह कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो असाइन करते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि डेटाबेस के अंदर हम अगर किसी टेबल को कोऑर्डिनेट सिस्टम असाइन करते हैं तो उसका क्या तरीका होता है। पहले हम अपने डेटाबेस जो है उसको ओपन कर लेते हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास टेबल्स हैं जिसके ऊपर काम कर रहे हैं, टेबल एसेट्स और एट्रीब्यूट स्टूडेंट्स। इसकी बात करूँ तो ये हमारे पास प्योर एट्रीब्यूट टेबल थे जिसके अंदर ज्योमेट्री नहीं थी, यानी कि ये हमारी शेप फाइल नहीं थी, ये सिंपल एट्रीब्यूट हमने यहाँ पे इंपोर्ट किए थे, उसका टेबल बनाया था। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट स्टोरी थी और सेकंड स्टोरी थी और थर्ड स्टोरी थी हॉस्टल्स की, जिसको हमने एज ए इंपोर्ट किया था शेप फाइल। तो इसके अंदर ज्योमेट्री थी और एक कॉलम जियोम का बना था, वो हम देखते हैं वो क्या होता है। तो सबसे पहले जब हम शेप फाइल क्रिएट करते हैं आर्क मैप के अंदर या फिर QGIS के अंदर, तो उसको तीन चीजें दी जाती हैं। फर्स्ट जो है वो सबसे पहले तो हम उसको बताते हैं कि यहाँ पे ज्योमेट्री की टाइप क्या है, पॉइंट है, मल्टी पॉइंट है, लाइन है या पॉलीगॉन है। उसके बाद जब हम क्रिएट कर लेते हैं तो वहाँ पे हम ड्रा करते हैं, एडिट करते हैं, अपनी डिजिटाइज करते हैं, तो उस टाइम हम उसको एक्चुअल कोऑर्डिनेट वो वहाँ पे असाइन कर रहे होते हैं लैटिट्यूड और लॉन्ग शक्ल के अंदर। तीसरी चीज क्या होती है, तीसरी चीज होती है कि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे कि आपका कौन सा रेफरेंस सिस्टम है जो कि अप्लाई होगा इस शेप फाइल के अंदर। तो यही तीन चीजें जो होती हैं वो आपके एट्रीब्यूट टेबल होता है डेटाबेस का, उसके ज्योमेट्री कॉलम के अंदर पड़ी होती हैं। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो हमारे पास देखें ये टेबल आ रहे हैं, टेबल के अंदर ये हमारा टेबल फर्स्ट स्टोरी, इसके अंदर ज्योमेट्री का कॉलम है क्योंकि ये हमने शेप फाइल इंपोर्ट की थी। इसके कॉलम के अंदर जाऊं तो ये जियोम का जो कॉलम है, इस पर क्लिक करूं और यहाँ पे एसक्यूएल पे क्लिक करूं तो ये देखें इसके अंदर जो कॉलम जियोम है ये क्या क्या रख रहा है। एक तो ज्योमेट्री आपकी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जितने हैं उसको यहाँ पे कवर कर रहा है, और दूसरा मल्टी पॉलीगॉन यानी कि उसकी जो टाइप थी जियोम टाइप, मल्टी पॉइंट है, लाइन है, पॉलीगॉन है, दूसरा ये 4326 ये क्या है, ये तीसरी चीज़ हमने बात की थी कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो वहाँ पे वो हम WGS84 साइन करते हैं तो यहाँ पे 4326 का क्या मतलब है ये हम देख लेते हैं। तो जिस तरह यहाँ पे देखेंगे WGS84 कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो इसकी एक अथॉरिटी आईडी है, ये देखें 4326, तो ये आईडी वहाँ पे टेबल होता है हमारा वहाँ पे यूज की जाती है, वहाँ पे WGS80 स्ट्रिंग जो है ये हम यूज नहीं करते, वहाँ पे 4326 यूज की जाती है और इसका रेफरेंस अलग से वहाँ पे एक टेबल पड़ा होता है उसके अंदर आपको मिल जाता है, जो कि स्पेशल रेफरेंस सिस्टम के नाम से यहाँ पे आपके पास टेबल होता है। पर हम इसको रीड करें कि इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है। तो मैं सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम कंट्रोल स्पेस और स्पेशल रेफरेंस सिस्टम F5, तो यहाँ पे हमारे पास पांच कॉलम हैं। पहले SRID जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, जो कि अभी हमें जियोम के कॉलम में मिली थी, ठीक है। उसके बाद अथॉरिटी नेम कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम की अथॉरिटी कौन है, अथॉरिटी SRID यानी किसी अथॉरिटी की आईडी। उसके बाद आपकी डिस्क्रिप्शन आ जाती है कि ये सिस्टम रेफरेंस कब और क्यों तश्कील लिया गया। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आती है प्रोजेक्ट फॉर टेक्स्ट, ये जो है ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी है जो कि यूज़ की जाती है प्रोजेक्शन को कन्वर्ट करने के लिए फ्रॉम वन प्रोजेक्शन टू अनदर। तो यहाँ पे अगर मैं वेयर की क्लास लगाऊं, वेयर SRID इज इक्वल टू 4326, यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखें मेरे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम का रेफरेंस आया है वो WGS84 का यहाँ पे आया, तो यही वहाँ पे असाइन की गई है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास TBL फर्स्ट स्टोरी का जो टेबल है यहाँ पे वो कंटेन कर रहा है एक ज्योमेट्री को, और उस ज्योमेट्री के अंदर जो रेफरेंस सिस्टम है वो है WGS84, उसकी टाइप है मल्टी पॉलीगॉन और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ज्योमेट्री के अंदर पड़े हैं। तो अभी हम उस ज्योमेट्री कॉलम को जो फर्दर जो है वो एक्सपेंड करके देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या होता है। तो यहीं पे मैं लिख लेता हूँ सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम, बल्कि हाँ जी ठीक है, फ्रॉम TBL फर्स्ट स्टोरी और सेमी कॉलम, और इसको मैं F5 के साथ यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये हमारे पास सेकंड नंबर पे जियोम है वो कॉलम है, उसका नाम है जियोम, उसकी
डेटा टाइप जो है वो ज्योमेट्री है, ये आपको इसके अंदर कुछ वैल्यू नजर आ रही है, वैल्यूज क्या है। तो ये वैल्यू जो होती है ये PostGIS जो है इसको लिखता है यहाँ पे बाइनरी डेटा फॉर्मेट के अंदर। ये बाइनरी फॉर्मेट होती है जो आपकी ज्योमेट्री टाइप होती है। तो जो PostGIS है वो फिर आपको फर्दर बहुत सारे ऐसे फंक्शंस प्रोवाइड करता है कि जो आपकी ज्योमेट्री का आउटपुट है उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। बाय डिफॉल्ट ये डाटा बाइनरी फॉर्मेट में है, लेकिन हम इसको फंक्शंस के थ्रू रीडेबल फॉर्मेट में पढ़ सकते हैं। तो हम वो फंक्शन जो है वो लगा के देखते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि जियो कॉलम के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहले आप यहाँ पे SRID से चेक करना चाहते हैं, तो सिलेक्ट STS_SRID और ये हमारा फंक्शन है और इसके पैरामीटर में हम दे देंगे इसी कॉलम का नाम जियोम फ्रॉम TBL और यहाँ पे फर्स्ट स्टोरी सेमीकॉलम। और अगर मैं यहाँ इसको F5 के थ्रू एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए आपकी सारी की सारी रोज के अंदर 4326 जो मैट कोऑर्डिनेट सिस्टम वो असाइन किया गया है। सेकंड हमारे पास थी ST_geometry टाइप, ठीक है, और यहाँ फिर हम इसके पैरामीटर में दे देते हैं जियोम और इसको मैं सिलेक्ट करके F5 से एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखें हमारे पास ST multi polygon यानी कि मल्टी पॉलीगोन की टाइप जो यहाँ पे पड़ी हुई है। अब देखें हम कॉलम वही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम अब फर्दर जो मैंने तीन चीज़ें इसके अंदर थी उसमें से दो हम जो है वो फाइंड आउट कर चुके हैं। तीसरी बताते खुद ये ज्योमेट्री है आपको बाइनरी फॉर्मेट में है, लेकिन हम इसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं PostGIS के डिफरेंट फंक्शंस के थ्रू। यहाँ सबसे पहले फंक्शन लगा रहा हूँ वो है आपका ST as text, ठीक है। ये दो से तीन ऐसे फंक्शन है जिसमें यानी कि हम तीन या चार डिफरेंट फॉर्मेट में इसको देखते हैं कि हम कैसे कैसे पढ़ सकते हैं। एक आपका ये है, इसको मैं दे देता हूँ जियोम। उसके बाद है हमारा STPWKT और इसकी पैरामीटर में फिर जियोम। इसी तरह एक और हम देख लेते हैं जी ST_SJSON, ठीक हो गया। अब मैं पूरी क्यूरी को यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अब देखें फर्स्ट चीज़ SRID, सेकंड नंबर पे जो टाइप होगी वो हम निकाल चुके हैं, तो तीसरा ये कोऑर्डिनेट जो थे वहाँ पे हमें मिल रहे थे जो बाइनरी फॉर्मेट में। अब यहाँ पे आप देखिएगा ये हमने जब एज टेक्स्ट किया है इसको तो ये देखें ये आपके ज्योमेट्री जो है वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब यानी कि रीडेबल फॉर्मेट में यहाँ पे आ चुकी है विद द यूजिंग ऑफ PostGIS ST as text फंक्शन। इसी तरह आपके पास एक और फर्दर फॉर्मेट है WKT की, ये भी फॉर्मेट है। इसके अंदर ये एक पूरी फॉर्मेट है, ये यूज़ की जाती है डिफरेंट लाइब्रेरीज इसको यूज़ करती हैं, जैसे कि ओपन लेयर है वो भी इसको यूज़ करती है डाटा रेंडर करने के लिए आपके वेब पेजेस के ऊपर। तो आप इसको यहाँ से डायरेक्टली PostGIS का फंक्शन यूज़ करते हुए इसको WKT फॉर्मेट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह लास्ट वन जो है वो हम देखते हैं GeoJSON फॉर्मेट जो आज की फेमस फॉर्मेट है। तो डायरेक्टली आप यहाँ से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इस बाइनरी फॉर्मेट से GeoJSON के अंदर। GeoJSON को अगर मैं यहाँ से खोला था ये देखें ये होती है GeoJSON फॉर्मेट। तो PostGIS आपको फंक्शनलिटी देती है कि वो खुद ही इसको आपको GeoJSON में कन्वर्ट कर दें और आप डायरेक्टली उसको यूज़ कर सकें। PostGIS के काफ़ी स्ट्रॉन्ग फंक्शंस हैं जो कि ज्योमेट्री के साथ खेलते हैं। तो अभी हमने देखा कि हम जियोम को यूज़ करते हुए उसके साथ कैसे खेल सकते हैं और उसकी ज्योमेट्री कैसे रीड कर सकते हैं। तो ये ज्योमेट्री को रीड करने का तरीका है इसके अंदर, रेफरेंस सिस्टम इस पर कैसे अप्लाई करते हैं वो हम पहले कर चुके हैं जब हमने शेप फाइल इंपोर्ट की थी, तो वो आप वीडियो मेरी देख लें, इसी सीरीज़ की वीडियो है वो। तो ये डिफरेंट तरह के ज्योमेट्री फंक्शंस यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मुझे दें इजाज़त, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।